Hey guys, welcome back again my new blog. मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं अमेरिकन कॉर्न सैंडविच कैसे बनाया जाता है. अमेरिकन कॉर्न सैंडविच बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए. जिसके लिए मुझे चाहिए, ज़्यादा बहुत सारे आइटम तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ ब्रेड, कैप्सिकम, छोटा टुकड़ा टोमेटो का, बटर, चीज़, मेयोनेज़ और वाइल्ड कॉर्न, कॉर्न जिसको आप मक्का कहते हैं. ये हम लोग हमारे होटल इंडस्ट्री में इस सैंडविच को हम अमेरिकन कॉर्न सैंडविच बोलते हैं. तो लेट्स स्टार्ट, सैंडविच बनाते हैं. टमाटर को छोटा छोटा कटिंग कर लेते हैं, चॉप कर सकते हैं इसको आप. तो टमाटर ज़्यादा नहीं डालना चाहिए इसमें. टमाटो कट गए, कैप्सिकम की मात्रा ज़्यादा रहती है इसमें, तो कैप्सिकम कट कर लेते हैं. इसको हम छोटा छोटा कटिंग करने के लिए इसको हम मशीन में डाल देते हैं. हमारे पास चॉपिंग मशीन है, आपको दिखाते हैं. तो उसमें हम इसको चॉप कर देते हैं, तो छोटा छोटा चॉप्ड हो जाएगा. इसमें हम टोमेटो को भी चॉप कर सकते थे, बट टोमेटो कैसा है कि टोमेटो अगर तो ज़्यादा था नहीं, टोमेटो थोड़ा ही था, तो अगर इसमें डालेंगे तो वो पूरा पानी पानी कर देता है, इसलिए हम इसमें सिर्फ कैप्सिकम को चॉप कर लेते हैं. आप अगर ये जिसके घर में नहीं, नाइफ से भी इसको कट कर सकते हैं छोटा छोटा बारीक. बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी पानी हो जाएगा. ये अभी देखते हैं, ये मैंने प्रॉपर चॉप कर लिया है. इसको हमने चॉप कर लिया है. बहुत ज़्यादा क्या, अगर उसमें मशीन में इसको चॉप करेंगे तो बहुत बारीक हो जाएगा. बारीक मीन्स पानी पानी हो जाएगा. पानी हो जाएगा तो जब प्रोसेस मिलाएंगे तो ये फैलने लगेगा, फिर वो ब्रेड के ऊपर रुकेगा नहीं. तो ये हमने कैप्सिकम और टमाटर, शिमला मिर्च और टमाटर को देखिए, ये हमने चॉप कर लिया है, कटिंग कर लिया है. और अभी हम इसमें मेयोनेज़ सॉस मिलाते हैं. वेरी सिंपल है इसको बनाना. और जल्दी जल्दी अगर भूख लगी हो, घर में अगर कॉर्न और मेयोनेज पड़ी है, तो ये बॉयल कॉर्न है, हमने इसको बॉयल करके रखा था, मक्का, बॉयल मक्का. होटल इंडस्ट्री में हम इस सैंडविच को अमेरिकन कॉर्न सैंडविच बोलते हैं. कॉर्न सैंडविच भी बोल के चलाया जा सकता है. सिर्फ हमने अभी मेयोनेज़ सॉस मिलाया है, इसमें अभी हम थोड़ा सा चीज़ डाल देते हैं तो टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा. मेयोनेज़ मिला तो चीज़ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट हल्का सा हम डाल देते हैं, थोड़ा टेस्ट और बेहतर हो जाता है. तो ये हमारे पास प्रोसेस चीज़ है, प्रोसेस चीज़ आप ले सकते हैं.
अगर आपके पास मोजरीला हो तो मोजरीला भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा तो यही पड़ता है मेरे हिसाब से, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। गाइस एक बात और बताना, मैंने सैंडविच बनने से पहले, सैंडविच खाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को नीचे दिए हुए लाल बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो लेट्स चीज़ को इसमें हम थोड़ा सा ग्रेट कर देते हैं। थोड़ी सी इसकी चीज़ से टेस्ट बढ़ जाएगी। नमक आपको बहुत हिसाब से डालना टेस्ट करके, क्योंकि ऑलरेडी मेयोनीज जो होता है और चीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो हमने ये ग्रेट कर दिया है चीज़ को और इसको मिला देते हैं प्रॉपर। चीज़ नहीं भी हो, सिर्फ मेयोनीज सॉस हो, कॉर्न हो, कैप्सिकम और थोड़ा सा टोमेटो हो तो भी आप बना सकते हैं इसको बढ़िया। नमक के लिए मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ कि मुझे नमक कितनी डालनी पड़ेगी। बहुत हल्का सा, इसमें हल्का सा ब्लैक पेपर, बहुत हल्का सा ब्लैक पेपर आप यूज़ करना है और हल्का सा सॉल्ट, लाइटली सॉल्ट यूज़ करिए टेस्ट के लिए। हमने लाइटली टेस्ट सॉल्ट डाल दिया, नमक इसको मिक्स कर देता हूँ। ये पूरे तरीके से देखिए रेडी हो गया है। अब ब्रेड निकालते हैं, ब्रेड को कटिंग कर लेते हैं। दो सैंडविच बनाना है तो एटलीस्ट चार ब्रेड ले लीजिए आप, चार स्लाइस। नॉर्मली सैंडविच ब्रेड इस्तेमाल किया जाता है व्हाइट वाला कोई भी सैंडविच बनाने के लिए, बट हमारे घर में हम लोग जो है सिर्फ ये ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं मोस्ट ऑफ 99%, तो हम इसमें ही बना के आपको दिखा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि साइड से इस साइड को कट कर देते हैं ब्रेड को, नहीं तो ये सैंडविच के टेस्ट को कड़वा कर देगा। थोड़ा सा हल्का सा ये इसका टेस्ट अलग होता है। इस स्लाइस को हमने कट कर दिया। आप अपने घर में इसको ट्राई करिए, बहुत इजी है और अमेरिकन कॉर्न सैंडविच का मजा लीजिए। आगे के ब्लॉग में आप लोगों को मैं और भी मिक्स वेज सैंडविच भी खिलाऊंगा बना के। इसके रेसिपी, इसके डिटेल्स मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसकी रेसिपी पूरी ले सकते हैं। और बनाना कैसा है ये तो मैंने वीडियो में आपको दिखाई दिए। हमने स्लाइस को कट कर लिए। अभी ये मेयोनीज वाला अमेरिकन कॉर्न सैंडविच, जिसमें हमने ऑलरेडी मेयोनीज मिलाया हुआ है और चीज़ मिलाया हुआ है, तो बटर की ज़रूरत नहीं है। बाकी दूसरे सैंडविच में लोग बटर भी मिलाते हैं, तो इसमें बटर की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये जो रेडी किया है मसाले को इस पर फैला देते हैं प्रॉपरली। मुझे और मेरे घर में सबको ब्राउन ब्रेड ही जमता है, इसलिए हम लोग ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, सैंडविच हो या फिर ऐसे भी ब्रेड बटर या कुछ भी खाने के लिए। घर में अचानक से मेहमान आ जाएं और उनको कुछ नाश्ता अच्छा सा कराना है, तो आप ये बना के उनको करा सकते हैं नाश्ता। 10 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में, फटाफट। ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है,
ताकि तो फटाफट इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये रेडी हो गया है। ओके, इसको कट कर देते हैं। बस टोमेटो केचप ले लीजिए, खाने के लिए तैयार। चार ब्रेड का बनाए हैं तो एटलीस्ट दो लोग आराम से खा सकते हैं। हमने टोमेटो केचप ले लिया और ये अमेरिकन कॉर्न सैंडविच रेडी है। सो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।